ये यमक वक्की कथा और गाथा नंबर 9 और 10 राजगीर से आरंभ होती है और सावित्री तक जाती है, श्रावस्ती तक जाती है, जो आज के समय श्रावस्ती है, राजगृह या राजगीर। हुआ यूं कि जब भगवान बुद्ध ने अपने कपिलवस्तु पहुंचकर और वहां अपने भाइयों को दीक्षा दी, तो उसमें देवदत्त ने भी दीक्षा ली। देवदत्त उनके मामा का लड़का था, उनका भाई था। देवदत्त बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, बहुत ज़्यादा उसकी इच्छाएं थी, मगर वो धम्म जल्दी सीखा और धम्म में वो इद्धि बल में पारंगत हो गया। अब इद्धि बल क्या होता है? इद्धि बल होता है जो अलौकिक बल होता है। अलौकिक का मतलब है लोक से परे का। लोक शरीर को बोलते हैं और शरीर से परे का मतलब है मन का बल, यानी साइकोसोमेटिक पावर में वो बहुत अच्छा पारंगत था। मनोवैज्ञानिक वो बहुत अच्छा हो गया था, उसको इद्धि बल बोलते हैं। और इद्धि से जो भी शब्द बनेंगे, इसको बाद की संस्कारित भाषा में जब ये पाली को संस्कारित किया गया और मॉडिफाइड किया गया, तो उसमें इसको इद्धि को रिद्धि बोला गया, सिद्धि और सिद्धा करके, यानी ऋषि वाला जो था रिद्धि। देवदत्त वहां 1000 भिक्कों के साथ में राजगीर में धम्म देशना दे रहे हैं, और वहां जो भिक्कू हैं वो कासाय वस्त्र में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आच्छादित किए हुए और लाइन में बैठकर सब धम्म देशना सीख रहे हैं, धम्म को सीख रहे हैं। कासाय जो वर्ड है, कासाय का मतलब होता है कांसे जैसा बेकार का रंग, बाद में उसको तांबे जैसा बोला गया, मगर कांसा जो रंग होता है उसमें कोई ग्लोरी नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, वो सबसे घटिया रंग होता है, उसको कांसाय रंग बोला है। जो कपड़े पहनते थे चीवर के रूप में, वहाँ सामनेर या भिक्खु या महाथेरा, थेरा या महाथेरी, या खुद तथागत बुद्ध या भगवान बुद्ध, वो कासाय वस्त्र या चीवर बोला करते थे, उसका रंग कासाय जैसा था, और चूंकि भगवान उसको पहना करते थे तो इसलिए उसका रंग भगवा भी पड़ गया। जैसे मितवा होता है मितवा, ऐसे ही भगवा, तो भगवा कलर भी उसका पड़ गया, और ये भगवा रंग तभी से उसका चल रहा है। ये रंग नहीं था जो आज की डेट में जिसको भगवा रंग बोलते हैं, केसरिया रंग बोलते हैं, ये नहीं था, कासाय रंग था वो, जो बहुत बेकार सा और घटिया रंग होता है। तो वहां चारिका करते करते भगवान बुद्ध के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड महामोगल नयन और सारिपुत्र दोनों पहुंच गए। दोनों पहुंच के वहां चारिका की उन्होंने और धम्म की देशना देवदत्त देते रहे। उसके बाद में वहां के लोगों ने, यानी राजगीर के लोगों ने, उनके खाने की व्यवस्था की, भिक्खु संघ के खाने की व्यवस्था की, और खाने में कोई कमी ना पड़े इसलिए जो वहां का व्यवस्थापक था, जो मैनेजर था, जो सारी खाने की मैनेजमेंट को देख रहा था, उसके पास में किसी उपासक ने एक बहुत कीमती कपड़ा दिया, वस्त्र दिया, कीमती कपड़ा जो हाथ से कढ़ा हुआ होगा, बहुत अच्छा होगा, ऐसा करके। कपड़ों की बड़ी कीमत थी उस समय, क्योंकि कपड़े बड़े कम थे और हाथ से बनते थे। तो वो उसने कपड़ा इसलिए दिया कि अगर भिक्खु संघ को खाने में कमी रह जाए तो आप इस कपड़े का उपयोग करके और खाना ले लें, यानी कपड़ा किसी को बेच दें या दे दें और उससे खाने का सामान ले लें। मगर खाना पूरा पड़ गया और कपड़ा बच गया। जब कपड़ा बच गया तो ये बात हुआ कि इस कपड़े का क्या करें, तो किसी भिक्खु को उसे दे दें। अब भिक्खु को देने की बात आई तो सारिपुत्र और मोगलायन बहुत सीनियर हैं, मगर वो तो अभी अभी आए हैं और कभी कभी आते हैं, मगर राजगीर में देवदत्त तो हमेशा रहते हैं और वो सिखाते भी हैं। तो वो कपड़ा देवदत्त को दे दिया गया और देवदत्त ने तुरंत ही उसका चीवर बनवाया, और चीवर बनवा के वो इधर उधर घूमने घामने लगे। श्रामणों में और भिक्कुओं में कानाफूसी होने लगी, क्योंकि संघ का नियम टूट गया। संघ का नियम यह है कि कोई भी भिक्कू या सामनेद दान में कोई भी वस्तु आती है उसे अपने नाम से नहीं ले सकता, नंबर 1। दूसरी बात, अगर संघ उसको स्वीकारेगा तो वो संघ की प्रॉपर्टी हो जाती है। तीसरी बात, अगर संघ की प्रॉपर्टी होने के बाद में वो उसको मिलती है
जिसको उस समय जरूरत हो, चाहे वो किसी को भी मिले, चाहे सामनेर हो, चाहे माथेरा हो या थेरी हो, कोई भी हो, जिसका नंबर आ जाएगा और जहाँ वो रखी होगी उसके हिसाब से वो उसको मिलेगी। ये संघ का नियम था, क्योंकि कपड़ा अच्छा है या खराब है इसका मोह, इसका राग नहीं कर सकता भिक्कू। अगर वो राग और मोह करता है तो वो अभी धम्म में पारंगत नहीं है, वो धम्म को नहीं जानता। और ऊपर से अगर आप धम्म को सिखा रहे हैं फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। कोई सामने करे तो ये मान सकते हैं कि वो अभी कच्चा है, मगर आप शास्ता हैं, आप टीचर हैं, आप सिखा रहे हैं, उसके बाद आप वही बात बता रहे हैं और उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, यानी आप तथागत नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सामने वाले सीखेंगे नहीं। ये बात कानाफूसी में होती रही और वहाँ से कुछ भिक्कु वहाँ से आ गए। आने के बाद भगवान के श्रावस्ती में, सावित्री में उन्होंने दर्शन किए, उनसे मिले, बैठे, कुशलक्षेम पूछा, हालचाल बताया, राजगीर की बात चली। जब राजगीर की बात चली तो कुछ भिक्कु ने उस घटना को भगवान बुद्ध को, तथागत बुद्ध को बताया। तथागत बुद्ध ने इस घटना के ऊपर जो बात कही उस बात को गाथा नंबर 9 और 10 में यमक वग में डाला गया, क्योंकि देवदत्त ने नीति तोड़ी। नीति, जिस नीति के तहत में देवदत्त देसना देने के लिए मिलिए बने, जिस नीति के तहत में वो भिक्कू बने, जिस नीति के तहत में वो टीचर बने और जिस नीति के तहत में वो भिक्कुओं को पढ़ा रहे हैं, वहाँ उन्होंने अनिति की, उसका सम्मान नहीं किया। और अनिति का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। देवदत्त को भी ये रिजल्ट बाद में भुगतना पड़ा और देवदत्त की मृत्यु बड़ी हृदय विदारक और बहुत ज़्यादा कष्टदायक हुई। घिसट घिसट के वो मरे बाद में, तड़फ तड़फ के मरे, सड़ सड़ के मरे। वो भगवान बुद्ध के पास आना चाहते थे मगर वो जा भी नहीं पाए, उनका हृदय बीच में ही फट गया, ऐसी हालत उनकी हो गई थी बाद में। तो कर्म फल जो होते हैं, कम फल यानी जैसा व्यक्ति करता है, अगर वो कोई नीति है उसको अगर तोड़ता है तो उसका रिजल्ट उसे जीते जी मिलता है। तो भगवान बुद्ध ने जो बात कही वो दो कथाओं में है, और चूँकि पाली भाषा थोड़ी गूढ़ होती है फिर भी मैं उसको सरल करके आपको यहाँ बताऊँगा। गाथा नंबर 9 में अनिक सावो कासावंग, अनिक सावो कासावंग का मतलब है कि जिसके अंदर दोष है, यानी कि जिसमें कासाय वस्त्र के अंदर जिसमें दोष है, जिसके मन के अंदर दोष है, जिसमें पाप है, जो पवित्र नहीं है। कासावंग का मतलब है यहाँ पे चीवर यानी कासाय वस्त्र हो गए। यो वत्थंग परिदहित सति, यानी यो माने जो, वत्थंग माने हो गया कपड़ा, वस्त्र परि माने चारों तरफ, और दहित सति माने देह के ऊपर, यानी जो शरीर के ऊपर कासाय वस्त्र को लपेटता है मगर मन से दूषित है, जिसके अंदर पाप है, जिसने अपनी बुराइयां नहीं हटाई हैं, जो बुराइयों से युक्त है। अपेतो दम सच्चेन, और दूर है, अपेतो माने दूर है, किससे, दम सच्चेन, इन बुराइयों को दमन करने से, इनको खत्म करने से और सच्चाई से दूर है। न सो कासावम रहती, न सो का मतलब है न माने नहीं, सो माने वह, वो कासावम रहित यानी अरहति का मतलब है। यहाँ कासाव और अरहति से दो शब्द से मिलके एक शब्द बना है, इसका नाम है कासाव वम रहती। इसका मतलब है कि वो अरहति का मतलब है अधिकारी, अधिकारी नहीं है कासाय वस्त्र का। तो पहली गाथा में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मन के अंदर मैल रखता है और चीवर को ओढ़ता है और जो दूर है सच्चाई से और बुराइयों को हटाने से, वो कासाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। इसी के उलट यमक वग में वो दूसरी गाथा है, गाथा नंबर 10 के अंदर वो ये कहते हैं कि यो चे वंत कसावस्य, यो माने जो, चे माने और, इस प्रकार और जो वंत माने होता है उल्टी करना, वमन करना, कसावस्य यानी जो कसाव का, कसाव का मतलब है चित्तमैल की उल्टी कर देता है। चित्तमैल की उल्टी का मतलब क्या है, चित्तमैल की उल्टी का मतलब है कि आपने अपने अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका वमन कर दिया, उनका उल्टी कर दिया। वंत का मतलब पाली से, पाली में, हिंदी में इसको वमन बोलते हैं यानी उल्टी करना। वंत पाली में वंत का मतलब है उल्टी करना, और इसको हिंदी में बोलते हैं, संस्कारित करके भाषा में वमन बोलते हैं, यानी जिसने वमन कर दिया
उल्टी कर दी, किसकी, गंदगी की, सारे चित्त मैल जितने भी उसके अंदर बुराइयां थी उसकी उल्टी कर दी। सीले सु सुसमाहितो, सीले सु का मतलब है कि जो सीलों में, सीलों को अच्छी तरह से, सुसमाहितो सु माने अच्छा, समाहितो माने समाहित करके अपने अंदर, जो सीलों को अच्छी तरह से अपने अंदर समाहित रखता है यानी सीलों पर चलता है, सीलों को मानता है और सीलों के नियमों का पालन करता है। उपेतो दम सच्चेन, उपेतो माने युक्त है, किस चीज़ से, दम सच्चेन यानी जो दमन भी कर सकता है अपनी बुराइयों का और सच्चाई से देखता भी है अपने शरीर को कि अब बुराई आ रही है या नहीं आ रही है, जो इस तरह से उपयुक्त है और जो इसको करता है। सै वे, सै माने वह और वे माने वास्तव में, यानी वह वास्तव में कासाब, कासावम हरती यानी कि कासाब का अधिकारी है, कासाय वस्त्र का अधिकारी है, ऐसा भगवान बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान ने कहा, तथागत ने बताया। और ये यमक वक्की 9 और 10 गाथा हैं, धम्मपद की 9 और 10 नंबर गाथा हैं। धन्यवाद।